Assalamualaikum. Computer hold at blogspot.com में खुशामदी। Adobe Photoshop की वीडियो ट्रेनिंग का ये हमारा पार्ट नंबर 23 है और अगर आप मेरी ये वीडियो डेली मोशन या किसी दूसरी वेबसाइट पे देख रहे हैं तो कंप्लीट कोर्स के लिए आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डोज टूल। ये टूल क्या काम करता है कि ये जिस जगह आप इसे अप्लाई करेंगे ये उसमें थोड़ी लाइटनेस आ जाएगी। ये देखिए, बहुत ज़्यादा करेंगे तो इमेज की नॉलेज ख़राब हो जाएगी, तो उसमें थोड़ी लाइटनेस आ गई है। आप कंट्रोल जेड की मदद से देखते हैं, ये देखिए पहले वाला इफेक्ट आ गया। इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं ब्रशेज की मदद से जिस अंदाज से चाहें। यहाँ आप इसकी कैपेसिटी भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ इसे अप्लाई करके देखते हैं तो ये देखिए यहाँ पर लाइटनेस आती चली जा रही है। ये देखिए ऊपर और नीचे अगर आप देखेंगे तो वाजे पर नज़र आ रहा है। कंट्रोल जेड की मदद से अंडू कर लेते हैं। दूसरा टूल है हमारे पास बर्न टूल। बर्न टूल क्या काम करता है कि ये गाढ़ा कर देता है। ये देखिए जिस जगह आप इसे अप्लाई करेंगे ये गाढ़ा कर देगा। कंट्रोल जेड करते हैं, अंडू करते हैं, ये देखिए पहले वाली नहीं होता है। उसके बाद हमारे पास तीसरा टूल है पॉन्च टूल। ये क्या काम करता है कि ये कलर को हल्का कर देता है। डायमीटर आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए कलर को हल्का कर रहा है। कंट्रोल जेड करते हैं तो पहले वाली नोयत आ जाएगी। यहाँ पे इसे अप्लाई करके देखते हैं, ये देखिए उसने कलर को हल्का कर दिया। नीचे और ऊपर अगर आप देखेंगे तो वाजे फर्क नज़र आएगा। कंट्रोल जेड की मदद से भी अंडू कर देते हैं। तो इस तरह से हम इन टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।